हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली। आज का मेरा टॉपिक है सेक्स एडिक्शन। सेक्स एडिक्शन या सेक्स के बारे में जो है हमारे भारतीय संस्कृति में बिल्कुल भी बात नहीं किया जाता या इसके लिए इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक डिस्कस नहीं होता है। बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, इनको नहीं बताया जाता है कि एग्जैक्टली क्या है। एक्चुअली सेक्स एजुकेशन और सेक्स एडिक्शन दोनों में फर्क है। एडिक्शन जैसे अल्कोहल से रिलेटेड है, टोबैको से है, ड्रग से रिलेटेड जैसे एडिक्शन होता है, सेम थिंग ये सेक्स रिलेटेड एडिक्शन होता है। जैसे जो ड्रग्स है या सब्सटेंस एब्यूज के लिए जो सिम्टम्स दिखते हैं, वैसे ही सेक्स एडिक्शन के लिए भी अलग सिम्टम दिखते हैं। इसके लिए सब्सटेंस एब्यूज के लिए जैसे ट्रीटमेंट है, सेम थिंग सेक्स एडिक्शन के लिए भी ट्रीटमेंट है। लेकिन हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं किया जाता, या अगर बात होती है तो चुपके से बात होती है, या तो हम अलग वे ढूंढते हैं इसके इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। आज हम देखने जा रहे हैं सेक्स एडिक्शन एग्जैक्टली क्या है। अगर कोई व्यक्ति यौन चीजों में व्यस्त रहने की आदत है, किसी व्यक्ति को यौन चीजों में व्यस्त रहने की आदत है, तो उसको हम सेक्स एडिक्शन बोल सकते हैं। जैसे पोर्नोग्राफी है, वेश्यावृत्ति है, हस्तमैथुन करना है, समलैंगिकता है, या यौन से रिलेटेड कोई भी क्रिया है, या सेक्स से रिलेटेड कोई भी क्रिया है, तो ये उसके टाइप उसमें इन्वॉल्व होते हैं या ये टाइप उनमें दिखते हैं। तो सेक्स एडिक्शन के जो दुष्प्रभाव है वो हमेशा ही नकारात्मक होते हैं कोई भी व्यक्ति पे। और सेक्स एडिक्शन जो है वो व्यक्ति के सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, वो मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है। अभी सेक्स एडिक्शन के कारण क्या हो सकते हैं, तो अगर हम देखने जाए तो इसको हम तीन प्रकार में देख सकते हैं, जैविक है, मानसिक है और सामाजिक में देख सकते हैं। जैसे मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तन को भी हम इसके साथ सेक्स एडिक्शन के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे साइकोलॉजिकल में देखा जाए या मानसिक रूप से देखा जाए तो एंजाइटी है, फियर है, ओसीडी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल कारण हो सकते हैं। एक्चुअली ये देखा गया है कि जो लोग इंटरनेट बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो फिर पुरुष है या महिला है, हाई एजुकेटेड जो पुरुष है और हाई नहीं बोल सकते लेकिन एजुकेटेड वुमन जो इंटरनेट यूज करती है, उनमें सेक्स एडिक्शन देखा जा सकता है। ऐसे नहीं है कि सेक्स एडिक्शन सिर्फ मेल के लिए ही हो सकता है या सिर्फ मेल ही सेक्स एडिक्ट हो सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, फीमेल भी सेक्स एडिक्शन होता है। दूसरा ये है कि ये जो सेक्स एडिक्ट लोग हैं, ये बहुत बार असुरक्षित महसूस करते हैं खुद को, निराशा सहन करने की क्षमता इनमें बहुत कम देखी गई है, रिश्ते इनके कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं या रिश्तों में ये सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। बहुत बार ये होता है कि सेक्स एडिक्ट व्यक्ति जो है वो फिजिकली सेटिस्फाइड हो जाता है लेकिन साइकोलॉजिकली ये सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है, या भावनात्मक रूप से ये संतुष्ट नहीं होते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं। अभी इसके लक्षण क्या है, सेक्स एडिक्शन के लक्षण क्या हो सकते हैं। एक्चुअली इसके लिए ऐसे पर्टिकुलर कोई श्रेणी है नहीं, लेकिन कुछ जो रीजंस है वो ढूंढे गए हैं या बताए गए हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। जैसे एक साथ कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाना है, मल्टीपल पार्टनर रखना है, ये फिर मेल के लिए भी हो सकता है और फीमेल के लिए भी हो सकता है। या साइबर स्पेस है, असुरक्षित यौन संबंध है, मतलब जहां पे सेफ नहीं है या सेफ्टी का जहां पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ये है। वन नाइट स्टैंड है, वन नाइट स्टैंड मीन्स एक रात के लिए किसी के साथ भी सेक्सुअल रिलेशन बनाना, इसको हम वन नाइट स्टैंड बोलते हैं। वेश्याओं के साथ सेक्स करना जो बहुत ही असुरक्षित है, पता नहीं होता है कि उनको कुछ यौन रोग है या एचआईवी पॉजिटिव है या कुछ भी है, लेकिन
क्या होता है कि जो सेक्स एडिक्ट व्यक्ति होता है उसको ये बातें समझ में नहीं आती है कि वो क्या करने जा रहे हैं या क्यों कर रहे हैं। उनको बस ये दिखता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए, दैट्स इट। इसके बाद है हस्तमैथुन करना है, अश्लील साहित्य पढ़ना है, पॉर्न वीडियोज या पॉर्न मूवीज देखना है, ये सब जो है सेक्स एडिक्शन में आता है। तो सेक्स एडिक्ट व्यक्ति जो है मोस्टली टाइम जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो सेक्स के बारे में ही सोचते रहता है कि क्या करना है या कैसे करना है। और दूसरा ये है कि सोशली ये लोग थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उनके आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते वो, इसलिए कि अगर सोसाइटी में या समाज में पता चल गया कि मैं सेक्स एडिक्ट हूँ तो लोग मेरे से दूर भागेंगे या मुझे बायकॉट कर देंगे या मुझे इन्वॉल्व नहीं कर लेंगे कोई भी फंक्शन में, कोई भी प्रोग्राम में इन्वॉल्वमेंट मेरा कुछ नहीं रहेगा। तो ये जो फियर है, ये जो डर है उनके मन में रहता है, इसलिए वो खुल के किसी के साथ बात नहीं कर सकते, ना फैमिली मेम्बर्स के साथ, ना अपनी वाइफ के साथ। लेकिन मोस्टली ये जो सेक्स एडिक्ट व्यक्ति है इनके पार्टनर जो है, फिर वो फीमेल हो सकते हैं या मेल हो सकता है, तो ये बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा सफर करते हैं इस बात के लिए, क्योंकि ज्यादा परेशानी उसको ही होती है। जैसे हम देखते हैं कि कोई सेक्स एडिक्ट व्यक्ति है तो वो जबरदस्ती अपने पार्टनर को पॉर्न साइट्स या पॉर्न वीडियोस दिखाता है, या दिन में 3 से 4 बार सेक्स करने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम उनके साथ हुई है। फिर वो व्यक्ति जो है, सेक्स एडिक्ट व्यक्ति जो है, वो ये नहीं सोचता है कि मेरा पार्टनर क्या सोचता है, उसको अभी वो चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन उनके दिमाग में यह होता है कि नहीं मुझे चाहिए, मतलब बस मुझे चाहिए, दैट्स इट। तो ऐसे होता है कि वो, उनको समझ भी नहीं आता कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, उनको लगता है कि नहीं ये नॉर्मल है। जैसे हमारे संस्कृति में या बताया गया है कि ये नेचुरल नीड्स है, नेचुरल नीड्स है, पक्का है, लेकिन वो कब तक, जब तक कोई लिमिटेशंस रहता है हर बात के लिए तो हम उसको एडिक्ट नहीं बोलते। ओके, ये नेचुरल है, हमको भूख लगती है, लेकिन हम कितना खाते हैं, 2 रोटी 3 रोटी, ज्यादा से ज्यादा 4 रोटी, लेकिन हम 4 टाइम में 4-4 रोटी खाते हैं, मतलब ये एडिक्शन भी हो सकता है। तो वो एक्चुअली वो टॉपिक अलग हो जाता है, लेकिन ये नेचुरली जो है, या नींद लेना है तो हम कितना टाइम लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा, लेकिन इससे ज्यादा होता है तो वो अलग टाइप हो जाता है। तो सेम थिंग है कि सेक्स एडिक्शन भी ऐसे है कि एक लिमिटेशंस होता है, आपकी नेचुरल नीड भी है लेकिन उसको भी लिमिटेशंस होता है, और लिमिटेशंस के बाहर अगर वो जाता है तो हम उसको एडिक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल, कई लोग बोलते हैं कि मैं सोशली ड्रिंक करता, सोशली मतलब कभी तो भी थोड़ा सा पेग लेना, और एडिक्ट व्यक्ति जो है वो लेते ही रहता है, उसको कुछ लिमिटेशंस नहीं है कि दिन में भी ले सकते हैं, रात को भी ले सकते हैं, 1 पेग नहीं 4 पेग लेते हैं तो भी वो संतुष्टि नहीं होती है या सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो हम उसको एडिक्शन बोल सकते हैं। उसके बाद जो उसके व्यक्ति के आसपास का जो इन्वायरमेंट है या वातावरण जो है, इसका भी इफेक्ट व्यक्ति के एडिक्शन के लिए हो सकता है। जैसे सामाजिक प्रभाव है, या उसके आसपास है, उसके रिलेटिव से इनका जो प्रभाव है उन पे होता है, या फ्रेंड सर्कल है उनका भी प्रभाव उन पे रहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को पसंद करता है या दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को पसंद करता है तो उन पे उनका प्रभाव रहता है, या वो एज ए मॉडल उसकी तरफ देखना स्टार्ट करते हैं और उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। फिर अगर फ्रेंड सर्कल में है, वो सीनियर है, इम्प्रेशन अच्छा है, या पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, या बात करने का तरीका या कम्युनिकेशन का तरीका बहुत इम्प्रेसिव है, तो बच्चे जल्दी, टीन एज वाले बच्चे जो है वो इमिडिएटली इम्प्रेस हो जाते हैं, और फिर उनको लगता है कि नहीं ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है या ये बहुत अच्छा है। तो और वो पर्सन अगर पॉर्न साइट्स देखता है या सेक्स एडिक्ट है, या वो उसको मोटिवेट करता है वो चीजें देखने के लिए, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि वो संगत से वो एक बार मना करेगा, 2 बार मना करेगा, फिर वो सोचेगा कि नहीं नहीं ये बोल रहे हैं तो बिल्कुल ये सही ही होगा या अच्छा ही होगा,
तो वो देखना स्टार्ट करते हैं, और फिर धीरे धीरे फैंटेसी बढ़ती है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, तो पर्सन उसको देखना पसंद करता है, और वो जाने अनजाने में वो चीजों के आदी होने लगता है। थैंक यू।